चने की चाट बनाने के लिए ये मैंने रात को चने भिगो दिए थे और ये सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया है, इसमें मैंने सोडा नहीं डाला। ये आराम से 4-5 सीटी में उबल कर तैयार हो गई और अब मैं इनको तड़का लगाने जा रही हूँ। वैसे इसको ऐसे भी चाट बना के खा सकते हैं, लेकिन वो जो तड़के वाली चाट होती है ना, उसका कुछ और ही मज़ा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं इसमें पानी, चने वाला पानी भी डालकर इसको अच्छे से उबाल लूँगी, जिससे कि उसका और ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसको उबाल कर। अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। अब इसमें मैंने 1 चम्मच ये घी डाल लिया है। अब ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये अदरक, थोड़ी हरी मिर्च तो थी नहीं, ये लाल हो गई, हरी मिर्च रखी थी, लाल हो गई, कोई बात नहीं। अब हम इनको भून लेते हैं। इसका और ही तड़का लगा कर तो इतना स्वाद बढ़ जाता है, बहुत अच्छा स्वाद बढ़ जाता है। ये मैंने तेज पत्ता थोड़ा और ये बड़ी इलायची डाली है, इसका और ही स्वाद बढ़ जाता है। इस तरह से ये देखिए हमारी बन जाएगी। अब हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़ा धनिया, अब हम इसको इसमें इस तरह से अब ये इसमें थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा सूख जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा पानी रह जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे, नीचे उतार लेंगे। तब इसमें थोड़ा हल्का नमक भी डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले से इसमें नमक डाला हुआ है, इसलिए ये थोड़ी कसूरी मेथी का तो और ही स्वाद है। थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसको हम पकने देते हैं, थोड़ा सा पानी रह जाएगा, फिर हम इसको उतार लेंगे। देखिए हमारे चने का जो तड़का था वो बिल्कुल बन गया है अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा रेसा रहने दिया मैंने, क्योंकि उससे बहुत अच्छा अच्छा वो आता है फ्लेवर। और ये मैं तेज पत्ता, ये गरम जो मैंने साबुत मसाला जो डाला था, इनको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि खाते समय ये थोड़ा मुँह में आएंगे, दिक्कत होंगी। और मैंने लौंग भी डाली थी, थोड़ी सी लौंग भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए अब हम इसको एक प्लेट में डाल देते हैं। ये देखिए रेसा, थोड़ा थोड़ा रेसा रहता है। इसको हम ठंडा भी करके खा, ठंडे की भी बना के खा सकते हैं और थोड़ी गर्म गर्म बना के भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, कैसे भी बना सकते हैं। अब हम इसमें क्या डालते हैं आप देखना, अब हम इसमें बहुत कुछ डालते हैं। ये हमने डाल दिए इसमें आलू, थोड़े आलू डाल दिए, और इसमें डाल दी थोड़ी प्याज, और थोड़ा खीरा, ये थोड़ा खीरा डाल दिया। और अब हम इसमें थोड़े से ये चाट मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं, थोड़ा अमचूर मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा ये प्लेन सफेद नमक, थोड़ा काला नमक, और ये भुना हुआ जीरा, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये थोड़े टमाटर, इसको और अब मैं इसमें नींबू का, ये मैंने नींबू का जूस निकाला हुआ था, ये डाल देती हूँ। अब मैं इसको चला देती हूँ अच्छे से। काला नमक भी डाल दिया, दूसरा भी डाल दिया, और अब मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ। इसमें थोड़ा सा प्लेट पूरी मेरी भर गई है। अब इसमें मैं एक चीज़ और डालती हूँ, ये अनारदाना, ये देखिए
ये देखिए थोड़ा अनार दाना डाल दिया है। अब हमारी ये चाट बनकर, ये देखिए चाट बनकर कितनी स्वादिष्ट हो गई है। ये इसको हम गर्म करके भी खा सकते हैं और इसमें प्रोटीन से भरपूर होता है। चना जो होता है प्रोटीन से भरपूर होता है। बच्चों को खिलाओ, बच्चे वैसे तो खाते नहीं है, इस तरह की चाट बनाकर खिलाओ उनको। कुछ ये हेल्दी नाश्ता मेरा तैयार हो गया है, इसको बनाइए और सुबह नाश्ते में खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, बहुत पसंद करेंगे बच्चे खाने खाने में। आप रोज़ रोज़ बनाएंगे देखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।